नमस्कार, नम्रता टेलरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को 1 महीना कंप्लीट हुआ है, तो मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम 3D मैथ सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें आगे आगे का वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। 3D मैथ कटिंग करते हैं अभी, उसके लिए अस्तर लगेगा और एक कपड़ा। तो हम भी एक्सेल साइज का कटिंग करने वाले हैं। पहला अस्तर कटिंग करके लेते हैं। ऐसा सिंगल अस्तर रखेंगे। ऐसा 11 इंच लंबाई, चौड़ाई इसकी 8.5 इंच लेंगे। यहाँ पे भी 8.5, इसे मार्क करके एक चौकोन कटिंग करके देते हैं। ग्यारह बाय 8.5 का रेक्टेंगल रेडी है। अभी हम इसी कॉर्नर पे यहाँ पे 2 इंच का मार्क करेंगे। ये साइड में भी 2 इंच का कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे भी वैसे ही करेंगे 2 इंच और यहाँ पे भी 2 इंच। अभी इस पे से लाइन बना के देते हैं। अभी इसे ऐसा फोल्ड करेंगे, युवा फोल्ड। अभी दोनों कॉर्नर कट करेंगे। अभी कट करके हुआ ये फोल्ड है यहाँ पे। अभी कितना है, 3.25 इंच है। इसका सेंटर निकालेंगे हम। 3.25 इंच है तो 1.5 से थोड़ा एक लाइन आगे, तो ये हुआ इसका सेंटर। सेंटर में 1/2 इंच थोड़ा नीचे लेंगे हम, थोड़ा सा राउंड शेप देंगे यहाँ पे। और ये राउंड शेप अभी कट करेंगे। अभी हमारा ये अस्तर कटिंग करके हुआ है। अभी मेन फैब्रिक हम कटिंग करेंगे। आप ऐसे एक्सेल साइज का, एल साइज का, एम साइज का पेपर कटिंग करके रख सकते हो। जब भी चाहिए तो वो पेपर रख के काटने का, बार बार नाप लेने की जरूरत नहीं। मैं वो सब मेजर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, आप देखिए वो। अभी हमारा है मेन फैब्रिक और अस्तर कटिंग करके हुआ है। अभी इसके इसे लगने वाला इलास्टिक अभी कटिंग करते हैं। अभी हम इलास्टिक कटिंग करेंगे। मैं ये प्लेन वाला इलास्टिक लगा रही हूँ, 1/2 इंच चौड़ा है। गोल इलास्टिक भी लगा सकते हैं ऐसा, मगर अभी मेरे पास व्हाइट है, मुझे ब्लैक चाहिए था, तो मैं अभी ये वाला लगा रही हूँ। इसकी लंबाई 8 इंच लेंगे हम। 8 इंच के 2 पीस निकालेंगे, 2 सेट चाहिए। ये देखिए अभी कट करते हैं। दो पीस हो गए। अभी हम सिलाई करेंगे। हमारा कटिंग अभी कंप्लीट हुआ। ये मेन फैब्रिक है, इसकी सीधी साइड है, इसके ऊपर हम अभी अस्तर रखेंगे ऐसे, और एक कॉर्नर से सिलना स्टार्ट करेंगे। Thank you.
यहाँ पे सिलाई खत्म करेंगे, ये साइड खुला रखेंगे हम लोग। अभी निकालते हैं बाहर, अभी यहाँ पे नॉचिंग करके देते हैं, जा राउंड है वहाँ पे सिलाई तक ही कटिंग करना है, सिलाई नहीं कटिंग करनी है, फिर सिलाई तक कट मारना है। अभी हुआ ये कटिंग करके, जो इसका खुला रखा था वहां से हम लोग इसे पलटी करेंगे। जितने भी कॉर्नर है सब अच्छे से बाहर निकल के देंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर बराबर चारों तरफ ऐसे नाखून मार के लीजिए, हर सिलाई के ऊपर, नहीं तो इस्त्री करके लीजिए। जहाँ पे खुला हिस्सा तो हम ऐसे ही ऊपर के कपड़ा ऐसा अंदर फोल्ड करेंगे, अस्तर का भी कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे ऐसे, और ऐसा भी यहाँ से चारों तरफ ऐसे दाब सिलाई मार के लेते हैं। अभी अभी इसे दाब सिलाई मार के हुआ है, अभी हम इसे फोल्ड करते हैं। इसके अंदर और ये बराबर यहाँ पे टच होना चाहिए इसे, यहाँ पे अंदर कहाँ पे ये मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बराबर फोल्ड करके बताती हूँ। ये देखिए ये फोल्ड हुआ है, इसके थोड़ा पीछे ही कपड़ा है, क्योंकि हमें बाहर से सिलाई मारने तो इतना कपड़ा सिलाई में जाएगा, इसके लिए इतना एक घड़ी के थोड़ा सा फोल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं तो मैं चौक से लाइन मार के बताती हूँ। अब ये लाइन मारा है मैंने, ये लाइन के थोड़ा अंदर है कपड़ा, अभी इसके ऊपर इसे फोल्ड करके लेते हैं इसे, और यहाँ से ऐसे एक दफ सिलाई मारेंगे। तो अभी यहाँ पे सिलाई मार के लेते हैं, अभी हमें यहाँ पे एक दाब सिलाई मारनी है। एक दाब मतलब ये साइड का हिस्सा जो है उसके नीचे जितना कपड़ा रहेगा उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं या कम भी नहीं, तो पूरा सिलाई में उतना ही कपड़ा आना चाहिए। ये देखिए इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, बराबर उतना ही रहना चाहिए यहाँ तक सिलाई आने तक। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ तक सिलाई आया है तो अभी अंदर का कपड़ा मेरे हाथ में लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा पीछे लेती हूँ, नहीं तो सिलाई में आएगा, वो सिलाई में नहीं आना चाहिए। अभी हमारी ये सिलाई मार के हो गई इस साइड की, अभी ये साइड सिलाई मारना है हमें, यहाँ पे भी एक दाब ही सिलाई मारनी है। ये देखिए यहाँ तो आ रहा है कपड़ा, इसके लिए इसको पीछे लेते हैं, ऐसा वो नहीं आना चाहिए सिलाई में। अभी खोलने के बाद ऐसे होता है, देखिए ये हिस्सा ये हिस्सा, अभी ये वाला हिस्सा है ये उठा के लेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसे इधर फोल्ड करेंगे और एक पिन लगा के लेते हैं, और ये साइड का जो हिस्सा है उसे भी यहाँ पे एक कॉर्नर वो यहाँ पे फोल्ड करके लेंगे इसके सामने ही बराबर, यहाँ पे भी एक टाशनी लगा के लेते हैं। अभी एक साइड हो गया, एक साइड का हुआ, अभी दूसरी साइड का, ये साइड का भी ऐसे ही करके लेंगे। अभी यहाँ पे टाशनी लगाए वहां पे चार नंबर सिलाई मार के लेते हैं। दोनों साइड ये दोनों साइड चार नंबर सिलाई मार के हुआ है, तो ऐसा रहेगा खड़ा। अभी यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे, अभी यहाँ पे इलास्टिक लगाने का है, तो हम इलास्टिक ऐसा बीच में रखेंगे और
फोल्ड करेंगे ये कपड़ा। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, एकदम यहाँ साइड में सिलाई मारेंगे, क्योंकि इलास्टिक ऐसा खींचने पे खींचने को मिलना चाहिए। इसके लिए ऐसे जहाँ पे चार नंबर सिलाई मार के रखे पहले, उसके थोड़ा आगे गया तो भी चलेगा। फोल्ड थोड़ा बढ़ा ही रख दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अब ये एक साइड का हुआ, अब दूसरी साइड में भी ऐसे ही रख डालते इलास्टिक। फिर से देखिए एक बार इसे, ऐसा इतना ढीला हो कि इलास्टिक खींचने को मिलना चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी यहाँ पे सिलाई मारते। अब इसके अंदर सिलाई इलास्टिक गया है, अभी हम इलास्टिक में यहाँ पे सिलाई मारेंगे इसे। दो तीन बार सिलाई मार दीजिए ऐसा, लॉक करके आगे पीछे करके ऐसे दोनों साइड में, इधर भी। अभी ये सिलाई मार के हुआ है यहाँ पे, तो अभी ये इलास्टिक ऐसा दबा के यहाँ पे सिलाई मारेंगे दोनों साइड। अभी ये ज्वाइंट अंदर जाना चाहिए इसके अंदर, इसके लिए इसको खींच के ऐसा अंदर लेंगे ऐसे। ये देखिए ये बीच में आ गए, तो अभी बाहर ज्वाइंट नहीं दिख रहा है। ये साइड का भी ऐसे ही करके लेंगे। अभी जो हमने चार नंबर सिलाई बनाया था बड़ा वाला पहले, वो निकाल देंगे, नहीं तो दो दो सिलाई दिखेगा, एक फोल्ड का और एक चार नंबर है।